वीडियो देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम आपको NPK 0050 वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद के बारे में बात करने वाले हैं। जो NPK 0050 आती है, इसमें क्या पोटेशियम के अलावा और क्या है, इसके अलावा 0050 को कब और कितनी मात्रा पर इस्तेमाल करना चाहिए, घुलनशील खाद 0050 को कौन सी खाद दवाइयों के साथ आपको मिक्स नहीं करना चाहिए, इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट का प्राइस, और यदि आप इसे ड्रिप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना डोज लेना चाहिए, और यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका डोज कितना लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, और इसके अलावा NPK 0050 क्या है और इसका प्रयोग करने की सारी मेथड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। NPK 0050 की डिटेल से वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। NPK 0050 में नाइट्रोजन है 0%, फॉस्फोरस है 0% और पोटास है इसमें 50%, लेकिन इस पर द्वितीयक पोषक तत्व भी है जो किसान भाइयों को जानना बहुत ही जरूरी है, पता होना चाहिए। इस पर सल्फर की भी मात्रा है 17.5%। तो कहने का मतलब ये है इसमें पोटास है और सल्फर है, पोटास है 50% और साथ ही सल्फर है 17.5%, यानी पोटेशियम सल्फेट। यह 100% वाटर सेल्युबल यानी 100% घुलनशील खाद है और इसमें पोटास है और सल्फर है। तो पोटास का जो महत्व होता है, दानों को भरता है, फलियों और बालियों को भरे एवं फल को वजनदार करे, और फल अवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं हमको 0050 खाद को यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा NPK 0050 में सल्फर भी है, तो सल्फर प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके अलावा पत्तियों में क्लोरोफिल को बढ़ाए, पौधे में एंजाइम्स की क्रियाशीलता को यह बढ़ाता है एवं तिलहनी फसलों पर तेल को बढ़ाए और दलहनी फसलों पर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सब्जियों पर, फसलों पर एवं रबी खरीफ की क्रॉप एवं बागवानी पर आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डोज के बारे में, तो डोज प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रिप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सामान्य तरीके से भी जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक एकड़ में 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, और यदि आप इसका इस्तेमाल ड्रिप एरिगेशन से करते हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं, और यदि आप सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। बात करते हैं फायदे के बारे में, तो यह दानों को भरता है और साथ ही फलों को वजनदार बनाए, रोगों से लड़ने की ताकत दे, पोटास की कमी को दूर करता है और जो पौध होती हैं उनको ठीक तरीके से भरता है, उत्पाद को बढ़ाए, पैदावार को बढ़ाए, और साथ ही सल्फर की भी यह पूर्ति करता है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। इसको आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ मिक्स ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि सल्फेट वाली खादों को आप नाइट्रेट वाली खादों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है जिससे यदि हम इन दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। बात करते हैं इस्तेमाल करने की सही स्टेज। जैसे आप टमाटर, मिर्च या फिर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो फ्रूटिंग स्टेज पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सोयाबीन, गेहूँ, चना जैसी क्रॉप पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दाने भरते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बागवानी क्रॉप पर आप फल की स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 50 से लेकर 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, और यदि आप इसे ड्रिप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई पूछेंगे कि स्प्रे करें या फिर ड्रिप में दें, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो किसान भाई सामान्य तरीके से खेती कर रहा, मल्टी ड्रिप नहीं लगाया है, तो जैसे करेले की खेती कर रहे हैं, लौकी की खेती कर रहे हैं, इसके अलावा खीरा ककड़ी की खेती कर रहा है, भिंडी की खेती कर रहे हैं और उस पर ड्रिप नहीं लगाई है, तो आप जड़ों के पास देकर 4 से 5 किलोग्राम
फ्रूटिंग स्टेज पर जब फसल फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम के आसपास जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट और परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए गेहूँ, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन, चना, सोयाबीन और अफीम जैसी क्रॉप पर यदि स्प्रे करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन किसान भाइयों, सब्जियों पर स्प्रे ना करें, वेस्ट रिजल्ट के लिए आप रूट जोन में ही दीजिए और फ्रूटिंग स्टेज पर जब आपकी फसल हो तो 15-15 दिनों के अंतराल पर आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना है 0050 में केवल पोटास नहीं है, इस पर सल्फर की भी मात्रा होती है। स्प्रे के लिए ज़्यादा डोज इस्तेमाल ना करें वरना पत्तियां जल सकती हैं। तेज धूप पर आप एनपीके 0050 का स्प्रे ना करें और इसके अलावा स्प्रे करने से पहले सिंचाई जरूर कर लें। स्प्रे हमेशा शाम टाइम करें एनपीके 0050 का, स्कॉर्चिंग की समस्या नहीं आएगी और रिजल्ट भी भरपूर मिलेंगे। बात करते हैं प्याज के बारे में, तो मार्केट में 1 kg एनपीके 0050 आप 70 रुपये से लेके 100 रुपये के आसपास 1 kg का पैक मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। यह थोड़ा सा कंपनियों पर भी निर्भर करता है, किसी कंपनी का थोड़ा सस्ता, किसी कंपनी का थोड़ा सा महंगा। तो आप अपने हिसाब से ब्रांडेड कंपनी का एनपीके 0050 ले सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको कौन सी कंपनी का एनपीके 0050 या फिर एनपीके घुलनशील खाद इस्तेमाल करना चाहिए, तो कुछ टाइम पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड की है, वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।